नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख करेंगे। अश्लील फिल्म बनाने वाले मामले, व्यवसायी राज कुंद्रा के घर पर पहुंची क्राइम ब्रांच ने। करीब 5.5 घंटे की कड़े पूछताछ के बाद देर रात करीब 9 बजे घर से निकली है। हालांकि उनके हाथ में कई दस्तावेज थे। क्राइम ब्रांच के हाथ प्रिंटर, लैपटॉप समेत एक बॉक्स भरा दस्तावेज भी था। क्राइम ब्रांच की 2 गाड़ियां घर के अंदर शाम 4 बजे से मौजूद थी और इस दौरान राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी का भी बयान दर्ज किया गया है। अश्लील फिल्म मामले में लगभग 5.5 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद मुंबई की क्राइम ब्रांच राजकुंद्रा सहित शिल्पा शेट्टी के घर पर मौजूद थी। 5.5 घंटे की पूछताछ की गई। ये वही घर है जहां पर राजकुंद्रा और उनकी फैमिली रहती है। फिलहाल क्राइम ब्रांच शाम करीब 4 बजे के आसपास यहां दाखिल हुई थी। मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियां और क्राइम ब्रांच की 2 गाड़ियां के साथ मौजूद हुई थी। तमाम बड़े अधिकारी थे। क्राइम ब्रांच राजकुंद्रा को अपने साथ लेकर आई थी। लिहाजन क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती थी कि राजकुंद्रा ने जिस तरह से असली फिल्मों को लेकर तमाम वीडियो बनाए थे, किस माध्यम से बनाए थे, किस खास ऐप के जरिए उसको अपलोड किया जाता था। फिलहाल जिस तरह से राजकुंद्रा की एक कंपनी वियान का नाम सामने आया था, जिसमें बताया गया कि 13 ऐसे अकाउंट बनाए गए जो अलग अलग नामों से बनाए गए थे, उसकी भी जांच की जा रही थी। लिहाजन यहां मौजूद शिल्पा शेट्टी से भी करीब 4.5 से 5 घंटे पूछताछ की गई है, जिसमें उनको बयान भी लिया गया है। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली है कि 5.5 घंटे की इस पूछताछ में क्राइम ब्रांच अपने साथ एक प्रिंटर और एक बॉक्स से भरा दस्तावेज के अलावा तमाम कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने साथ लेकर गई है। फिलहाल देखने वाली यह बात होगी कि इस गैजेट्स और इस इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के जरिए क्राइम ब्रांच को राजकुंद्रा के राज का क्या राज खुलता है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में आ गई है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुए भव्य कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई। कभी इस फैसले का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे और नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई भी दी। पंजाब कांग्रेस की कमान हाथ में आते ही नवजोत सिंह सिद्धू फॉर्म में आ गए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा, इसके साथ ही अपनी रणनीति भी सबके सामने जाहिर की। सिद्धू ने अपने संबोधन में किसान आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने ऐलान किया है कि वह किसान मोर्चे वालों से मुलाकात करेंगे और उनकी बात को समझेंगे भी। वहीं पंजाब को लेकर अपने एजेंडे का जिक्र करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग महंगी बिजली क्यों खरीदें, हमें सस्ते दाम में बिजली मुहैया करानी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दिल्ली मॉडल के हम परखच्चे उड़ा देंगे, पंजाब में पंजाब का मॉडल चलेगा जो किसानों और युवाओं को आगे बढ़ाएगा। और साढ़े नवे नियुक्त किए हुए प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे साढ़े साबका पीसीसी के प्रधान साहब, साढ़े साबका मुख्यमंत्री साहिबा, और अज जेड़े अज इतने सुशोभ सारे मेरे वीरों भैनों, तुम दूर दूर तो आए हो, बहुत अज थोड़े शुक्रगुजार है। मैनू भी ये 3-4 जेडे अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब नियुक्त किए ने, साडे प्रधान ने सोनिया जी ने, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी ते पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए, थोनू भी बधाई होए नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब दा तुसी अगले साडे पार्टी दा चलाओ। नवजोत सिंह सिद्धू, धन्यवाद करदा तुहाडा, बड़े अरसों तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बनू, सिद्धू प्रधान बन गया, किसी की टीआरपी बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये वो ये मसला ही नहीं, कोई भी ओदा मसला ही नहीं, ओदे तो मैं भुआ भुआ मारे है, ओदे तो मैं सुच सुच मारे है, कैबिनेटा तो मैं भगा भगा मारिया ने, यह मसला ही नहीं, यह मसला ही नहीं,
मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। मसला थोड़े तो अद नहीं, वेखो कड़े विरोधी कहते सी अज कांग्रेस एक मुठ है, एक झूठ है, एक मुठ है, एक झूठ है। तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु दे बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु दे बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति दे बिना समाज नहीं बन सकता, उस तरह कोई भी पार्टी कार्यकर्ता वर्कर दे सहयोग दे बिना नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। करो कदू पत्त बना के सजाऊं, जोश करूं, एक नवा बदलाव है फिजा च, बहिंदा जनता का सैलाब है, और सिकंदर बना के खड़ा करूं। इस पंजाब दे कांग्रेस दे कार्यकर्ता नूं जरिया बनाऊं हक सच की लड़ाई का, मसलियां नूं सुलझाउण दा, लोकां दा भला करन दा, लोकां दी ताकत उन्हां नूं वापस मोड़न दा। यही मेरा मनसूबा है, यही प्रधानगी की सब तो वड्डी मंशा है, और यही प्रधानगी की सब तो वड्डी सक्सैस है। सिकंदर तुसी सारे सिकंदर कह जे भी हालात होण तस देंगे। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, अरे तारा टूट भी जाए जमीन में नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। उनकी ताजपोशी कार्यक्रम में कैप्टन ने सिद्धू की जमकर तारीफ की है। मंच से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, वह सिद्धू को बचपन से जानते हैं, जब सिद्धू पैदा हुए थे तब मेरा कमीशन हुआ था। और अमरिंदर सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सिद्धू जब पैदा हुए थे तब से इनके परिवार को जानते हैं। दरअसल जैसे ही सिद्धू के अध्यक्ष बनने की अटकलें शुरू हुई, वैसे ही पंजाब की राजनीति में सिद्धू बनाम कैप्टन की चर्चा शुरू हो गई थी। पहला तो मैं इन्हें मेरा दसदा, मैं इन्हों का रिश्ता की है, रिश्ता इन्हों का यह है कि 1963 के जन्म होया, और 1963 मेरा IMA तो कमीशन होया, और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी, इन्ना फर्क है साडा। और फिर इन्हों के पिता जी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। पंजाब में सिद्धू के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस ने राहत की सांस ली। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जारी संकट कुछ हद तक कम होता दिख रहा है। सिद्धू ने ताजपोशी होते ही हुंकार भर दी। सिद्धू ने अपने संबोधन में पंजाब को ऊपर उठाने की बात की है, और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के किसानों और शिक्षकों के बारे में भी बात की। सिद्धू ने ड्रग्स के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। मसला ETT टीचर खड़े ने सड़कों दे उत्ते, मसला है डॉक्टर खड़े ने नर्सा नु रहन नु थानी, मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरनिया दे रहे, धरनिया दे बैठे है, ये मसला है। मसला मेरे गुरु का, ये मसला है। तो प्रधानगी जाखड़ साहब, पतवंत सजनों, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मेगा मोगा दुर्घटना में घायल हुए, पर मरीजों का हाल जानने के लिए मोगा के सिविल अस्पताल के विशेष दौरे पर पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हाल जाना,
और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पंजाब सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए और मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इलाज करा रहे मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जेडे 3 वर्करां दी डेथ हुई है, 5-5 लाख रुपया सरकार ने उन्होंने अनाउंस किया है, तो जेडे इंजर्ड ने भावें अनाउंस जोड़ा है वह 50 हज़ार किया, पर भावें 10 लाख लगे, भावें 15 लाख लगे, ये वर्कर साड़ी पग ने कोई भी हुंदा असी वो इलाज पूरा करा के। सिद्धू साहब, सुबह सरकारी हॉस्पिटल जो डॉक्टर है नहीं, चंडीगढ़ स्ट्राइक ते गए, प्राइवेट डॉक्टर हायर करने पे सरकारी हॉस्पिटल, छोटे पेशेंट ज्यादा थे उदे करके मंगाए है। इस वक्त दे उते आपां लोकां चीज़ां ना करीए, जो जिंदगी असी बचा सकते हैं, जो घाट पूरी कर सकते हैं, जो इन्हां दा दुख अपने मोढ़ियां ते चुक सकते हैं आपां, वो गल। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदित्य बिरला ग्रुप के ओर से पेंट के क्षेत्र में अपने हालिया प्रयास में लुधियाना में लगभग 1,000 करोड़ रुपए और राजपुरा में एक सीमेंट इकाई स्थापित करने में 500 करोड़ रुपए का भारी निवेश करने के लिए स्वागत किया है। इस अवसर पर हाल ही में विकसित हाईटेक वैली लुधियाना में 147 करोड़ रुपए की लागत से 61 एकड़ भूमि के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निवेश आगे औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उत्कृष्ट सड़क, रेल और हवाई संपर्क के मामले में मजबूती बुनियाद ढांचे के साथ शांतिपूर्ण श्रम के कारण पंजाब संभावित उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश में लॉजिस्टिक्स की आसानी में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही पूर्वी और पश्चिमी फ्रंट कॉरिडोर दोनों से जुड़ जाएगा। बलात्कार पीड़िताओं के उनकी पुनर्वास में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लुधियाना के पुलिस आयुक्त राकेश अग्रवाल ने प्रोजेक्ट मॉर्निंग ए न्यू बिगनिंग का शुभारंभ किया है और इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी लुधियाना रुपिंदर कौर सरन ने कहा कि पीड़ितों को उज्जवल भविष्य के निर्माण और उनके सपनों को साकार करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत के साथ साथ प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देना है। वहीं इस मौके पर पुलिस आयुक्त राकेश अग्रवाल ने कहा कि एक समाज के रूप में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन पीड़ितों को मदद करें, न कि केवल एक कर्तव्य के रूप में कार्य करें। उन्होंने आगे कहा कि हम पीड़ितों को रोजगार देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं, सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। और खबर अब दिल्ली से है, जहां राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में टीएमसी सांसद शांतनु सेन को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल कल सदन के अंदर शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिया था। सो फॉर द सस्पेंशन इज कंसर्न, आई वोंट से अ सिंगल वर्ड बिकॉज इट हैज बीन सेड बाय माय पार्टी लीडर्स, बट रिगार्डिंग दैट मिनिस्टर्स एटीट्यूड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वंस अगेन आई रिपीट आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी दैट माय कलीग्स अंडर द लीडरशिप ऑफ सुखेंदु शेखर राय finally they came to rescue me, otherwise I would have been beaten up badly. The way that respected minister was talking to me, he was threatening me, he was using abusing language and he was about to assault me, my colleagues came. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के सांसद डोरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। सांसद ने कहा, तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल ने ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। The All India Trinamool Congress Parliamentary Party have unanimously adopted a resolution whereby Mamata Banerjee is the chairperson of the All India Trinamool Congress Parliamentary Party. She is the chairperson of...
पिछले दो दिनों में भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे भयावह मंजर महाराष्ट्र की है, जहां प्रदेश की रायगढ़ जिले में लैंडस्लाइड से 36 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 18 टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं और दूसरी तरफ उड़ीसा से 8 अतिरिक्त टीमों को एयरलिफ्ट करके महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। इस पूरे संकट को देखते हुए एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने राहत कार्य की तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। During the past 2 days, due to excessive rainfall, there has been flood in various parts of Maharashtra and Karnataka, Telangana, Andhra, due to which a lot of people are marooned, and NDRF has been deployed in all the places. We have 18 teams right now in Maharashtra carrying out rescue and relief operations, and considering the situation, we need more relief operations. So 8 additional teams are being airlifted from Odisha, and they will be arriving in Maharashtra shortly. Now in other parts of South India also there is a grim situation. Lot of rescue operations are on. There is a landslide incident in the Raigarh district of Maharashtra, in which about 32 houses have collapsed in the landslide due to excessive rain, and the rescue operation is there going on, and DRF is there. As per the latest report, we have. महाराष्ट्र के बालेश्वर और सतारा जिले के नवाजा में पिछले दो दिनों में हुई अत्यधिक भारी बारिश से राज्य के निकटवर्ती तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में, खासकर रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में बाढ़ आ गई है। कोंकण क्षेत्र के इन दो जिलों में कई स्थान पानी से डूबे हुए हैं और प्रशासन वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कदम उठा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुंबई में आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। विजय वडेट्टीवार ने बताया कि सीएम ने इसका जायजा लिया और वहां हर तरह की मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए। राज्य में आज 45 से 50 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और ये बढ़ने की आशंका है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुई मौतों पर दुख जताया है। कोरोना महामारी के भय के बीच 32वें ओलंपिक खेलों के शुक्रवार को रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ टोक्यो में शुरुआत हो गई है और इसको लेकर भारत में भी खूब उत्साह देखा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय टीम के प्रवेश पर खड़े होकर दल का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने दिल्ली में टीवी पर भारतीय दल को देख खड़े होकर ताली बजाते नजर आए। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, आइए हम सब मिलकर भारत के लिए चीयर करते हैं। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां देखी, हमारे दल को शुभकामनाएं। उन्होंने साथ ही सीयर्स फॉर इंडिया हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। टोक्यो ओलंपिक का आगाज आज से हो गया है और इससे पहले अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को संसद के सामने सांसदों के साथ भारतीय खिलाड़ियों के समर्थन में जय हिंद के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने अपील की थी कि आप सभी लोग अपने घरों पर, कार्यस्थलों पर अपने साथियों के साथ भारतीय एथलीटों को मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो बनाइए, जिससे हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में अच्छा कर सकें। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में कुल 126 भारतीय एथलीट हिस्सा लेंगे, जिसमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, जूडो, हॉकी, तैराकी, वेट लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस समेत कई खेल शामिल हैं। It was a pride moment to see the big Indian contingent participating in the opening ceremony. We would like to wish the Indian athletes all the very best. Sir, tomorrow we have medal events, especially in shooting, weightlifting, archery also. Let me request most of the Indians to wake up early and watch the Indian players, Indian athletes. फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बालम चक्रधारी और सदस्यों ने आज राजधानी रायपुर स्थित बोर्ड कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया।
बालम के साथ नव नियुक्त सदस्य जांजगीर चांपा की पुनीता प्रजापति, दुर्ग के खिलावन चक्रधारी, बस्तर के सोनू राम नाग और रायपुर के श्री कृष्णा कुमार चक्रधारी ने भी अपना कार्यभार ग्रहण किया। बालम चक्रधारी ने माटी शिल्प से जुड़कर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है और उनकी कला की अपनी एक अलग पहचान है। माटी शिल्प में उनकी रुचि और सक्रियता से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वे प्रभावी काम कर सकेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर माटी शिल्प के कलाकारों को ऊपर उठाया जा सके और शासन की संचालित योजनाओं से कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जा सके। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मृदुभाषी, जनप्रिय राजनेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत की 43वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज जिला मुख्यालय जांजगीर के बीडीएम उद्यान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीडीएम उद्यान जांजगीर में प्रसिद्ध कबीर भजन गायक भारती बंधु द्वारा कबीरदास जी की सुर्खियों पर आधारित मनमोहक सुमधुर भजनों का गायन प्रस्तुत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने श्रद्धांजलि समारोह के पूर्व चांपा केराझरैया स्थित तपसी बाबा उद्यान में स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। यूपी के रायबरेली के गांव गुलाबगंज में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब गांव के बाहर एक 12 साल की लड़की का शव खून से लथपथ मिला। मामले की सूचना गांव में फैलते ही मौके पर भारी भीड़ लग गई और इसी बीच किसी ने हत्या की सूचना पुलिस को दे दी। उधर मौके पर पुलिस अधीक्षक भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की पूछताछ में मृतका के चाचा पर परिजनों ने संपत्ति के लालच में हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने चाचा को हिरासत में ले लिया। रायबरेली जिले के डीह थाना क्षेत्र के खुराहट्टी के गुलाबगंज गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के बाहर एक 12 वर्षीय बालिका का शव खून से लथपथ हालत में मिला। जैसे ही ये सूचना गांव में आग की तरह फैली, तैसे ही गांव से भारी मात्रा में भीड़ वहां जुटने लगी। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार भारी फोर्स के साथ पहुंचे तो वहीं परिजनों से पूछताछ में पता चला है कि संपत्ति की लालच में मृतका के चाचा ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस ने मृतका के चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए थाना डी के गुलाबगंज गांव में एक 12 वर्षीय बच्ची के रिकॉर्डिंग मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई हुआ कि मृतका के माता पिता नहीं है और अपनी नानी के साथ रहती है। नानी द्वारा यह बताया गया कि संपत्ति के लालच में मृतका के चाचा दिनेश और उसके साथी दीपेंद्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। वह दिनेश को पूछताछ हेतु हिरासत में भेज दिया गया है। उधर उज्जैन में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। गुरुवार रात से ही मानसून की हल्की बारिश शुरू हो गई थी जो कि पूरे दिन चलती रही। पूरे उज्जैन में अब मानसून की बारिश देखी जा रही है, जिससे अब कहीं जाकर किसानों को थोड़ी राहत की सांस मिली है। किसानों की माने तो फसल को बचाने के लिए मानसून की बहुत जरूरत थी और जिसके बाद अब कहीं जाकर थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिर मानसून ने उज्जैन में दस्तक दे दी है। कल रात्रि से धीमी बरसात की शुरुआत हुई है, जो धीरे धीरे पानी गिर रहा था, वहीं अब किसानों के चेहरे भी थोड़े बहुत खिले हैं, जिसका किसान काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे बारिश होने का, कि उनके खेतों में जो सोयाबीन की फसल बोई गई थी वो बारिश नहीं होने के कारण किसानों के चेहरों पर चिंताएँ दिख रही थी। लेकिन कल रात से शुरू हुई बारिश जो मध्यम गति में गिर रही है, उससे कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर ये बारिश लगातार गिरती रहेगी तो ही हमें इस पूरी बारिश का फायदा मिल पाएगा। आम जनता को जो गर्मी और उमस से परेशानी हो रही थी, वो भी अब इस बारिश से गिरने से थोड़ी कम हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि उज्जैन का क्षिप्रा नदी का जो जल हमेशा बारिश शुरू होने पर भराता था, वो अभी इसमें कोई ज़्यादा भराव नहीं हो पाया है।
उज्जैन से विजेंद्र यादव एएनबी न्यूज के लिए। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अलग अंदाज में नजर आए। गुरुवार को कैप्टन सेना के जवानों के साथ थिरकते नजर आए। दरअसल गुरुवार को सेना की सिख रेजिमेंट का 175वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कार्यक्रम में पहुंचे और पंजाबी गानों पर जवानों के साथ झूमते नजर आए। अमरिंदर सिंह 1963 से 1969 के बीच सेना के सिख रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में अपनी सेवा दे चुके हैं। सेना के कार्यक्रमों में कैप्टन शामिल होते रहते हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचने पर कैप्टन का जवानों ने जो बोले सो निहाल के नारे के साथ स्वागत किया। 79 वर्षीय कैप्टन ने जवानों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, फिर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और पंजाबी गानों पर डांस किया। इससे जुड़ा वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा, अपनी जगह पर अपनी पलटन के जवानों के साथ जय हिंद। तो गुरुवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि कैप्टन सेना के जवानों के साथ थिरकते हुए नजर आए। दरअसल गुरुवार को सेना के सिख रेजिमेंट का 175वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर पंजाबी गानों पर जवानों के साथ वो झूमते नजर आए। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमने नरेंद्र सिंह तोमर को बताया कि तीन कानूनों में क्या कमियां हैं। एक ही मकसद है कि तीनों कानून वापस लेकर सबसे चर्चा करके किस ढंग से कौन से कानून ला सकते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण करती थी, आज अदानी अंबानी जैसे बड़े लोग जमींदार बनकर बैठेंगे। हमने तो तोमर जी को भी बताया ये तीन कानूनों में क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करना एक ही मकसद है कि वो तीनों कानून वापिस लेके उसके बाद में फिर सबसे चर्चा करके किस ढंग से कौन से कानून ला सकते हैं, क्योंकि उसमें गरीब किसान से लेकर जो उपभोक्ता है उनको भी इसमें बहुत बड़ा मार गिरता है, काला बाजारी उसमें होती है, बड़े बड़े कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बड़े जमींदार बन के बैठते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल एक बार फिर किसानों के समर्थन में बीजेपी को घेरा है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। जिस दिन से ये ऑर्डिनेंस आया है उस दिन से इसके बारे में उस सरकार को समझाने की कोशिश में लगे थे और दबाव बनाने में लगे थे कि आप ये किसानों के ऊपर मत थोपिए, किसान इसके विरोध में है। जब सरकार ने हमारी नहीं मानी तो हमने सरकार भी छोड़ दी, गठबंधन भी तोड़ दिया और सड़क पे उतर के किसान के साथ हम इस सरकार के खिलाफ लड़ने लगे। आज भी पिछले तीन दिनों से जब से ये सेशन शुरू हुआ है लगातार एक श्रोमणी अकाली दल ही एक पार्टी है जिसने और कोई मुद्दा नहीं उठाया, केवल अपने पंजाब और अपने किसानों का मुद्दा उठाया। और वो इस करके क्योंकि यही एक पार्टी है जिसका सब कुछ पंजाब के साथ जुड़ा है। बाकी दूसरी पार्टियां आप चाहे आम आदमी कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी गिनती में है तो पहले दिन पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठा लाए, दूसरे दिन कोई दूसरा स्पाइक का मुद्दा उठा लाए। ये तो जब किसानों ने आज दबाव पाया तो आज जाके इन्होंने कुछ किसानों की बात करी, वो भी आधे एमपीज ने दूसरे मुद्दे, आप नोटिस देख लीजिए जो गवर्नमेंट नोटिस होता है। सो किसान जो 8 महीने से सड़कों पे बैठा हुआ है, 500 किसान मर चुके हैं, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार जो बैठी है ये इतने किसान अन्नदाता का इतना बड़ा मान कर रही है कि ना तो उनको दिल्ली के बॉर्डर पे उनको परवाह थी, चिंता थी, ना जे मर रहे हैं तब उनको चिंता, और अब जो दिल्ली में पहुंच गए यहाँ पे बराबर की संसद लगा रहे हैं, तो कम से कम आपने बॉर्डर पे अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, इधर तो भेज दीजिए और पूछ लीजिए, समझ लीजिए उनसे।
तो पर बातचीत करेंगे लेकिन वो बोलने से पहले कानून वापस नहीं होंगे, बातचीत करेंगे। तो बातचीत की आपने गुंजाइश क्या छोड़ी? तो मैं अगर ये जो बड़ी पार्टियां होती है पंजाब की, बाहर की पार्टियां होती है, चाहे आप आम आदमी पार्टी को लीजिए, वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, वो पहले वो मुद्दे उठाएंगे जो दिल्ली के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी देश भर की पार्टी है, वो मुद्दे उठाएंगे जो बाकी देश में जरूरी है। सिर्फ एक शिरोमणी अकाली दल ही है जो पंजाब और पंजाबियों की पार्टी है, हम सिर्फ वही बात करेंगे जो हमारे पंजाब को इफेक्ट करती है, हमको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। सबसे प्रथम हमको पंजाब और पंजाबियों का, आज किसानी मुद्दे करके हमारे पंजाब का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि 13 महीने से किसान सड़कों, पहले पंजाब में बैठा था अब दिल्ली में बैठा है, 550 किसानों की उन्होंने अपनी जाने गंवा दी है। और ये पूरी चीजों, क्योंकि एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, आज दुकानदार का धंधा खराब हो गया है, इंडस्ट्री हमारी खराब हो गई है, किसानों को जो झूठे वादे किए गए थे उसका कर्जा माफी का, वो किसान सड़कों पे उतरा हुआ है। और इससे बड़ी बात कि इन काले कानूनों के कारण हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारी भाईचारिक सांझ है, जो हमारी अमन शांति है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी मार पड़ रही है ये काले कानून करके। ये काले कानून थोप के एक तरह से भाजपा सरकार ने पूरे पंजाब की अमन शांति को, भाईचारिक सांझ को भंग करने का काम किया। कानून तो अब भी नहीं लागू हुआ, अदालत में रुके पड़े हैं ना ही ये कानून लागू होगा। लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? क्या किसी से कोई कमिटमेंट आपने करी है? कोई कॉर्पोरेट हाउस से कमिटमेंट करी कि आप वापस? क्या कारण है बताइए, क्यों वापस नहीं होंगे? जे आपने 3-4 हजार पुराने लॉज, आप कहते हैं हमने रिपील कर दिए, पुराने हैं हमने रिपील कर दिए, तो ये 3 कानून और क्यों नहीं रिपील हो सकते? एक तरफ तो आप अपनी पीठ थपथपाते हैं ना कि हमने कानून, पुराने कानून हमने रिपील कर दिए, तो इसको क्यों नहीं, जो पूरे देश के किसान सड़कों पे उतरे हैं, चलो आप कहते हैं पूरे देश के नहीं, 2-3 राज्यों के हैं आप, वो तो ये पहले उनको आतंकवाद कह दिया, उग्रवाद कह दिया, बिचौलिया कह दिया, अब तो मान गए हैं कि किसान हैं। सो जे ये पंजाब के हो या हरियाणा के हो या राजस्थान के हो या उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपके देश के ना, आप ही के किसान हैं, आप ही के अन्नदाता हैं, तो क्यों आप इनकी सुनने को नहीं तैयार है? क्यों ये अपमान करें? ये अपमान का बदला किसान, जो आपको सिर्फ वोटों की राजनीति समझ आती है। जम्मू पुलिस ने कानाचक सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराए जाने का दावा किया है और जम्मू में पाकिस्तानी बॉर्डर के पास आए दिन ड्रोन देखने को मिल रहे हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का अंदेशा है कि पाकिस्तान इस तरह से साजिश रच सकता है। ड्रोन से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति का ही नतीजा है कि IED अपने ठिकाने तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह ड्रोन भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक घुस गया था। तब सुरक्षा एजेंसियों को इस ड्रोन की मौजूदगी का पता चला और इस ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने AK-47 का इस्तेमाल किया, तब इस ड्रोन को गिराया जा सका है। और इस ड्रोन से 5 किलोग्राम IED भी बरामद हुआ है। इस विस्फोटक को असेंबल किया जाना था। अगर ये विस्फोटक देश के दुश्मनों के हाथ लग जाता तो इसका इस्तेमाल आतंकियों द्वारा किया जाता। अब सुरक्षा एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि क्या लश्कर देश में आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान से विस्फोटक मंगाने के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। ये देखिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे ये काम हुआ है और जो हमारी पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। पहले भी कोशिश की गई थी कि ड्रोन को मार गिराया जाए लेकिन इसमें हमें कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार हम कामयाब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आईडी जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था उसको हम रोकने में कामयाब हो गए। तो ये क्या कहीं ड्रॉप करनी थी जैसे एयरपोर्ट स्टेशन में टारगेट किया गया, या ये पिकअप के लिए थी? ये आईडी पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं थी लेकिन असेंबल्ड थी। उस पर एक्टिवेट करने के लिए कुछ तार को जोड़ना पड़ता, वो प्रोविजन उसमें है। तो ऐसा लगता है कि वो ड्रोन के ज़रिए कहीं गिराते और फिर कोई और उसको उठा के ले जाता और आईडीज को प्लेस करता। तो कोई लिंक अभी मिला है एयरफोर्स स्टेशन पे जो था उसके जैसे? अभी हमें बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो धागे, जो स्ट्रिंग्स जिसको यूज़ उन्होंने किया है जो पेलोड को ड्रॉप करने में, ऐसी स्ट्रिंग्स की कुछ पीसेज वहाँ मिले थे जम्मू एयरपोर्ट पे जब वहाँ पे आईडी गिराई गई थी। तो सर सीरियल नंबर भी बताया सेम है, तो क्या कहीं एक जगह मैन्युफैक्चर हो रहा है और एक पूरा पाकिस्तान की तरफ से एक प्लान्ड है ये सारा? ये असेंबल्ड ड्रोन है, इसमें मुख्तलिफ जगह मैन्युफैक्चर्ड है, मुख्तलिफ पार्ट्स जो इनके हैं, लेकिन जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसकी सीरियल नंबर जो, और जो पहले जो एक ड्रोन।
सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के सोपोर में रात भर चले एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ कल रात में बारामूला जिले के सोपोर के वारपुरा गांव में शुरू हुई थी। इस एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकवादी फयाज वार लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर है। यह सुरक्षा बलों और नागरिकों पर कई हमलों का जिम्मेदार भी था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को सोपोर के वारपोरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। हाँ बिल्कुल, सोपोर हम लोगों को पिछले एक साल से काफ़ी तंग कर रखा था क्योंकि वहाँ पर लोकल एलिटी के काफ़ी मिलिटेंट थे, एफटी भी थे। इस साल ऑलमोस्ट सबका सफाया हो गया है, एक दो लोकल बचा है और एफटी भी सारे मारे गए हैं। कल दोपहर में श्रीनगर पुलिस को इतला मिली थी कि सोपोर के एरिया में दो टेररिस्ट छिपे हुए हैं, जिसमें एक फयाजवाज का खबर था जो लश्कर तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था और मुदस्सर पंडित के मरने के बाद इसको रिप्लेस किया था। तो जब हम लोग इनकाउंटर वहाँ पर शुरुआत हुआ तो पहले काफ़ी फायरिंग हुआ और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। जितने सिविलियन थे आसपास उसको वहाँ से विकेट कर दिया गया, फिर उनको अपील किया गया तो सेंटर नहीं किया। उसके बाद फिर फायरिंग रिज्यूम हो गया और उसमें दोनों टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक फयाज वार है जिसको उमर भी बोलते हैं और ये काफ़ी किलिंग्स में एक से नाम बाय नेम 11 एफ आई आर लॉज है, जिसमें कम से कम 5-6 302 का है, मर्डर केस का है, सिविलियन किलिंग का है, सिक्योरिटी फोर्स का है, ग्रेनेड थ्रो काफ़ी करता था, काफ़ी सारे लड़कों को मोटिवेट करता था मिलिट्री से ज्वाइन करने के लिए। तो ये पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खास कर कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। दूसरा साहिन मीर है, बड़गांव का है, उसे भी वो बड़गांव का है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश को लेकर कहा है कि बारिश के कारण पूरा शहर डूबा हुआ है, बारिश का कहर साफ देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार से बात की है, उन्होंने कोरोना को लेकर के भी बयान दिया है। ये बारिश नहीं है, ये बारिश का कहर है। आपने देखा होगा कि छतों से भी ऊपर पानी चला गया है, छतों से भी ऊपर बड़ी बड़ी बसेस ट्रक्स पानी के नीचे गए। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री उद्धव जी से इस बारे में पूरी जानकारी ली, बातचीत की और पूरा कोऑपरेशन केंद्र की तरफ से मिल रहा है। कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, सब मदद मिल रहा है और खुद मुख्यमंत्री पूरी जो मदद की यंत्रणा है, डिजास्टर मदद नियंत्रण खुद बैठकर कर रहे हैं। वहाँ के गार्डन मिनिस्टर्स, वहाँ के MLAs, वहाँ के ऑल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, सामाजिक कार्यकर्ता, संकट में फंसा हुआ हर व्यक्ति को आखिरी व्यक्ति तक मदद मिलने की पूरी कोशिश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सबको मालूम है कि जो लिखित प्रश्न में जो जानकारी दी है उसमें तथ्य नहीं है, सबको मालूम है। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करता, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, ये सच है, लेकिन बहुत से राज्य इस प्रकार से मौत हुई है और ये ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में भी छपा है, ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी दफ्तर में भी। तो इस प्रकार से यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि दुनिया में जांच चल रही है। उन्होंने बारिश को लेकर कहा है कि भारी बारिश के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इसका मामला फिर लोकसभा में उठा, निश्चित रूप से गंभीर विषय है। जिस तरह से फ्रांस में मामला उठा, फ्रांस की सरकार ने जांच बिठा दी, खुद इसराइली सरकार ने अंतर्गत जांच बिठाई है, भारत में कई नेताओं के, मंत्रियों के, पत्रकारों के, न्यायालय से जुड़े लोगों के फोन कहीं ना कहीं हैक किए गए,
स्पाईवेयर यूज किया गया, इस तरह की खबरें आई हैं। अगर दुनिया के कई देशों में जांच बैठ सकती है तो भारत में क्यों जांच नहीं बैठ सकती? हमें लगता है कि सरकार सच्चाई लोगों को बताए, हो रही है विशेषकर कोकण में, रत्नागिरी, रायगढ़ और थाना जिले में काफ़ी तादाद में बारिश हुई, जिससे चिपलुन जैसे शहर में पानी भर गया और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। निश्चित रूप से प्रशासन सतर्क है, लोगों के बचाव कार्य में जुटी हुई है। एक बार पानी अगर उतर गया उसके बाद जो भी मदद होगा उसको सरकार ऐलान करेगी। मुख्यमंत्री महोदय ने भी सारी परिस्थितियों का जायजा लिया, आज बैठक हुई और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाए इसको लेके सरकार गंभीरता से काम। महाराष्ट्र सरकार की मांग पर पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई ने राज्य प्रशासन को सहायता देने के लिए बाढ़ बचाव दल और हेलीकॉप्टर जुटाए हैं। मौसम प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कुल 7 नौसैनिक बचाव दल मुंबई से रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में तैनात के लिए पहुंचे हैं। रायगढ़ में फंसे कर्मियों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा। नौसेना के बाढ़ बचाव दल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और जेमिनी रबर बोट, लाउड हेलर, प्राथमिक चिकित्सा किट, लाइफ जैकेट और लाइट बॉय से लैस हैं। बचाव दलों में विशेषज्ञ नौसेना गोताखोर और गोताखोरी उपकरण भी शामिल हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर तत्काल अतिरिक्त बाढ़ बचाव दल तैयार है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत आज अयोध्या से की गई। मायावती ने अपने सबसे खास नेता और ब्राह्मण पेश सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी है। हालांकि ऐन मौके पर ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ नई पैकिंग में पुराने माल जैसा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और इसके बाद वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे। सरयू के तट पर 100 लीटर दूध से उन्होंने दुग्धाभिषेक भी किया और आरती में शामिल हुए। दलितों की पार्टी के नाम से पहचान रखने वाली बसपा के दूसरे सबसे बड़े नेता आज अयोध्या में पूरे धार्मिक अवतार में नजर आए। देखिए, भगवान श्री राम लला के पहले हमने दर्शन किए, उनके दर्शन करने के बाद हमने आज महाबली हनुमान जी के दर्शन किए और मुझे हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में और प्रबुद्ध वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए उसके संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जिस तरह से अपेक्षित हैं और ख़ासतौर से ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया पूरे प्रदेश में, हर जिले में जाएंगे, हर जिले में और लगातार निकलेंगे, तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया, दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम भगवान की जय। ब्राह्मण सम्मेलन में सवाल भी किए देखिए हम लोगों को बराबर याद आए, ब्राह्मण समाज थोड़ा इधर उधर हो गया था वो, बल्कि अब ओडिशा के स्कूल और शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए हॉस्टल के फिर से खोलने का फैसला किया है। हमने छात्रों को अपने माता पिता की सहमति से लेने को कहा है और साथ ही कहा है कि जो लोग पारंपरिक कक्षाओं में शामिल नहीं होंगे वो इसे ऑनलाइन ही जारी रख सकते हैं। वहीं गुरुवार को ओडिशा में कोविड-19 के 1948 नए मामले सामने आए हैं और एक स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन केंद्रों में से 1120 नए मामले सामने आए हैं, बाकी 828 मामले संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच के बाद सामने आए हैं। Decided to for 10th and 12th opening about the for 10th and 12th
and we have asked the students to take consent of the parents. Whenever the school will open, the students should carry the consent of their parents to attend the classes. Though they are not attending, online classes will go on for them. Accordingly, we are also going to open the hostels on 26th for 10th and the 12th classes. The same thing is advisable that the students who will be in the hostel will take the permission of their parents and according to health department. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को मसानी स्थित एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि देश की नदियों को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। मोक्षदायिनी मां यमुना में गिरने वाले नालों को रोकने के लिए एसटीआई प्लांट का उद्घाटन किया है। एसटीआई प्लांट के जरिए शहर के सभी लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा कि नदियों में गंदे पानी को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सरकार काम कर रही है और यमुना शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रयास जारी है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के बाद से सियासत में गर्मजोशी देखने को मिल रही है। वहीं संभल में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कानून को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अनिल चौधरी ने सीएम योगी को नसीहत देते हुए कहा कि सीएम योगी को जनसंख्या नीति में बदलाव करना चाहिए और लेकिन सीएम योगी के नीति निर्माण अफसरों ने जल्दबाजी कर दी है। नई जनसंख्या नीति में स्थानीय निकाय चुनाव के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वालों पर भी रोक लगाने की मांग की है। जो नई जनसंख्या नीति अभी प्रस्तावित की है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन उसका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ इस प्रस्ताव में एकल बच्चा नीति के बारे में जो प्रोत्साहन नीति अपनाई गई है, यानी एक बच्चे की उत्पत्ति पर दंपत्ति के नसबंदी कराने पर, उनमें से किसी एक की नसबंदी कराने पर जो अनेक प्रकार के प्रलोभन लालच दिए गए हैं कि एक बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर अमुक अमुक लालच मिलेंगे, जिस प्रकार से उनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में 80,000 रुपये लड़के के मामले में, लड़की के मामले में 1,00,000 रुपये, ऐसे लालचों से कहीं भविष्य में जनसंख्या का असंतुलन न पैदा हो जाए, भविष्य में कहीं लड़का और लड़की के बीच असंतुलन न हो जाए, लोग लड़के की चाहत में एक लड़के के बाद कहीं अपनी इस नीति को अपना के देश, प्रकृति, धर्म और पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा ना हो जाए, इस कारण से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन उत्तर प्रदेश भर में यह अभियान चला रहा है, ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और विधि राज्य। दमदार समाचार लगातार में, फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।